कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। आज का टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू यूज एक्वेरियम एयर पंप। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत से कस्टमर्स को थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसका एयर पंप कैसे यूज करते हैं, उसको कैसा रखते हैं और इसका मल्टी यूज कैसा है, इसके बेनिफिट्स हम जानेंगे। और इसके बाद जो मेरे पास अलग अलग टाइप के कस्टमर्स आते हैं, मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली एयर पंप्स कितने स्ट्रीम्स में, कितने अलग अलग स्ट्रीम्स में ये एयर पंप में जो यूज होते हैं। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। सो मेरे पास है ये एयर पंप है दोस्तों, एक्वा स्पीड कंपनी का एयर पंप है। इसमें बहुत सारे कंपनीज आते हैं दोस्तों, सबसे पहले आरएस, सोबो, फिर स्टार कंपनी का, फिर एक्वा एक्वा कंपनी का, फिर वीनस कंपनी का, फिर आता है उसमें वोयू कंपनी का एयर पंप आते हैं। इसमें ये जो है मेरे हाथ में जो एयर पंप है, ये सिंगल वे एयर पंप है। सिंगल वे एयर पंप है मतलब, एक मिनट में आपको ओपन करके बताता हूँ, इसको अनबॉक्स करके बताता हूँ। तो ये जो एयर पंप है सिंगल वे एयर पंप, सिंगल वे मतलब इसका जो आउटपुट है वो सिंगल ही है, और ड्यूल वे आउटपुट, डबल पुट मतलब इसको जो दो होते हैं वो ड्यूल आउटपुट होते हैं, वो दूसरा होता है, वो अलग होता है। वो यूज तो सेम ही है, लेकिन जिसके पास बड़ा टैंक है 5 फीट का 4 फीट का, उसकी विड्थ जो है, हाइट जो है 2 फीट की है, तो उसके लिए 2-way एयर पंप करता है, क्योंकि उसका पावर थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका इसमें क्या मैकेनिज्म यूज़ होता है और ये किस तरह से चलता है और इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो एक्वेरियम है, ये एक्वेरियम, ये जो एयर पंप है ये एक्वेरियम में यूज़ होता है। उसके बाद जो शिम्पला जो शेल होते हैं, जो बिजनेस करते हैं मोतियों का, जो बड़े बड़े उनके हाउस होते हैं, हाउस के अंदर जो एयर पंप लगाते हैं, तो इसमें वो भी यूज़ होता है। लॉट्स ऑफ फीडर्स टैंक्स में यूज़ होता है, जिनके पास मत्स्य पालन होते हैं, मत्स्य पालन में एयर पंप यूज़ होते हैं, ये यूज़ नहीं होता है दोस्तों। लेकिन इससे तो बड़ा क्वांटिटी के जो ब्लोअर बोलते हैं, वो ब्लोअर यूज़ होता है, वो आपको अप्रॉक्सीमेट 67,000 में मिल जाएगा। और ये जो है मार्केट प्राइस है इसका 200 या 250 को सेल होता है ये। और इसके साथ दोस्तों एक पाइप भी आता है जॉइंटर, ये जो पाइप होता है, इसका ये इस पर जो ये लगा, ये कंट्रोलर लगा हुआ है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको कैसा है क्या है। तो इसको सबसे पहले जो आपके पास एक्वेरियम है, आप एक्वेरियम शॉप में जाते हैं, तो आपको सबसे पहले वो आप जो है शॉपकीपर को बोलते हैं कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन में वो 2-3 टाइप के बताता है। तो ये अच्छा क्वालिटी का एक्वेरियम है, आरएस कंपनी का, वीनस कंपनी का, क्वालिटी अच्छी है। और इसमें जो है दोस्तों मैग्नेट लगा हुआ है और एयर पुश लगा हुआ है। जैसा मैं इसको प्लग इन करूँगा तो इसका ब्लोअर सब वाइब्रेट होने लगेगा, वाइब्रेट होने के बाद यहाँ से हवा आने चालू हो जाएगी। तो इसको प्लेस कैसे करना है दोस्तों, एक्वेरियम अगर समझ लो आप, यहाँ पे एक्वेरियम है आपका, ये एक्वेरियम है और ये टेबल है, तो आपको यहाँ पे प्लेस नहीं करना है दोस्तों। इसका जो पोजीशन है टॉप चाहिए, बिकॉज ये अगर आप टॉप पे रखेंगे तो आने वाली जो हवा है इसमें का पाइप ये सीधे आपके एक्वेरियम में चले जाएंगे, और इसके ऊपर जो आने वाला प्रेशर है वो कम हो जाएगा दोस्तों। तो इसके वजह से आपका जो ये जो एयर पंप है बहुत लॉन्ग लास्ट चलेगा। इसका लाइफ ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स होता है अप्रॉक्सीमेट, अगर आप 24 घंटे नहीं चलाएं तो। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि ये जो एयर पंप है ये आप 24 घंटे मत चलाइए, रात में कॉन्स्टेंटली ऑन मत रखिए। आप देखो फॉर एग्जांपल अभी फिश को अगर ऑक्सीजन चाहिए, फिश को कब ऑक्सीजन चाहिए, हाउ टू आइडेंटिफाई द फिश इज एक्चुअली नीडेड ऑक्सीजन और नॉट। सो जब भी फिश एक्वेरियम पानी के ऊपर ऐसे मुंह ऊपर करके स्विम करती है, बाहर के ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती है, समझ लेना दोस्तों कि पानी में ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम हो गई है। तो आपको क्या करना है, ये एयर ब्लोअर लगाना है, हाफ एन आवर एक घंटा आप एयर ब्लोअर लगाइए। एयर पंप लगाने के बाद बंद कर दीजिए एयर पंप, बिकॉज ये मशीन है दोस्तों, ये कंटिन्यूसली चलेंगे तो खराब हो जाएंगे। और इसका भी आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, ये प्रिकॉशंस में आता है कि डोंट यूज दिस मशीन मोर देन 4 आवर्स, बिकॉज ये गर्म हो जाती है और इसमें जो पुश लगा हुआ है दोस्तों ये गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा और आपका ये जो एयर पंप है वो खराब हो जाएगा दोस्तों। तो प्रिकॉशन तो यही है कि आप कॉन्स्टेंटली यूज मत कीजिए, 2 घंटा रुकिए, 2 घंटे के बाद और ऑन कीजिए, फिर 2 घंटा रुकिए, रात में तो वैसे ऑफ ही रखिए, बिकॉज मछलियाँ जो होती है फिश वो स्लीप करती है, रात में सो जाती है, तो उन्हें सोने दीजिए दोस्तों। अगर आपके फिश में
ज्यादा आपके फिश टैंक में अगर ज्यादा क्वांटिटी की फिश है 20 फीस 25 फीस तो नेसेसरी है दोस्तों आपको दो लगेंगे, दो एयरपंप लगेंगे, एक स्टैंड बाय के लिए और एक यूज के लिए, इनके से खराब हो जाता है तो स्टैंड बाय वाला यूज कर लेना। और इसमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है दोस्तों, हाई और लो का ये बटन दिया है, हाई और लो का ये बहुत सारा कम कंपनी में आता है, हाई और लो का। अगर आप हाई पे करेंगे तो जो बबल्स है वो एकदम हाई हो जाएंगे और स्लो करेंगे तो बबल्स एकदम स्लो हो जाएंगे दोस्तों। और इसमें जो है ये जो पाइप होता है, ये पाइप है, ये पाइप आपको यहाँ पे लगाना है ऐसा, ओके, ये पाइप ऐसा लगाना है। और यहाँ पे एयर स्टोन आता है दोस्तों, एयर स्टोन आपको 10 रुपए का मिलता है, एयर स्टोन, एयर स्टोन लगा के आपको एड करेंगे छोड़ना है, मतलब आप यहाँ पे ऐसा करेंगे स्विच बोर्ड में, ये पाइप ऐसे जाएगा एक्वेरियम में चले जाएंगे। और सबसे पहले बात तो यहाँ पे आपको टेबल के ऊपर नहीं रखना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि अगर आप टेबल के ऊपर रखते हो, फिश टैंक भी टेबल के ऊपर रखते हो, तो जो हवा ऐसे आप कंटिन्यूसली जाती है एयर पंप से, अगर आप एयर पंप बंद करते हो तो ऑटोमेटिकली जो पानी है पाइप में तो वो वापस से उल्टा मशीन में आ जाएगा दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। और खराब तो होता नहीं दोस्तों, ये आपके यूज के ऊपर है, आप कैसा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। अगर आप थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड से दोस्तों थोड़ा ओपन करके देख लीजिए इसको ऑफ करके, और इसका कैसा फंक्शन करता है, क्या है, कौन सा पार्ट चलना है, कौन सा थोड़ा आप चेक कर लीजिए, साफ कर लीजिए, अगर आप साफ करते हैं तो और वो 3-4 महीने एक्स्ट्रा लंबा चलेगा। और ये कंट्रोलर है दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सिंगल यूज है, इसका डबल यूज कैसा करना है, मतलब आपके पास आपको फिल्टर भी चाहिए, आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, तो समझ लो आपका 3 फीट का टैंक है, एक कॉर्नर में जाएगा फिल्टर, एक कॉर्नर में जाएगा ऑक्सीजन। तो क्या करना है आपको, इसको एक टी पॉइंटर आता है दोस्तों, टी पॉइंटर तो अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, शॉप में है टी पॉइंटर, तो टी पॉइंटर आपको क्या करना है, लगाना है दो पाइप लगाना है। और ये कंट्रोलर उस टाइम काम आएगा जब वहाँ पे ज्यादा हवा जा रही है, जिस फिल्टर में जिस पोर्शन में ज्यादा हवा जा रही है वहाँ पे वो पाइप कट करना है, ये कंट्रोलर से आपको कम करना है। इससे क्या होगा, जो यहाँ पे ज्यादा जाने वाली हवा है रेस्ट ऑफ द एयर वहाँ पे चले जाएगा, मतलब दोनों इक्वल आपको करना है, और दोनों आप फिल्टर और एयरपंप दोनों भी यूज कर सकते हैं इसमें। सो ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैक्स ऑफ द टाइम क्या होता है, कस्टमर बहुत मार्केट में ढूंढते रहता है कि ड्यूल एयरपंप, ड्यूल वे एयरपंप, ड्यूल वे एयरपंप चाहिए, लेकिन ड्यूल वे एयरपंप की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, आप सिंगल वे ये सस्ते में और अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और इसका जो है मल्टी यूज ये है कि आप जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक्वेरियम, ब्रीडर टैंक्स, बाद में मत्स्य पालन, बाद में फिर शिंपियाँ, वो सब मैंने तो आपको बता दिया है, और बस बाकी तो कुछ नहीं है दोस्तों, इतना ही था आज के लिए। सो आज हमने कवर किया है कि ये काम कैसा करता है, इसका मैकेनिज्म कैसा है, इसका मल्टीपल यूज़ कैसा है, और इसका प्रिकॉशन कैसा लेना है, इसका यूज़ कैसा करना है, और इसका पोजीशन कैसा रखना है, ये सारा आज हमने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक ही आपका हक है, और प्लीज हमने अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को, बिकॉज आने वाले इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डालने वाला हूँ, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरा चैनल फॉलो कीजिए बिकॉज कैसा है दोस्तों, अलग अलग सिचुएशन में इस पे अलग अलग जो इंसिडेंट्स जो आते हैं लाइफ में, एक्वेरियम इंडस्ट्री में, तो मैं इसमें डालते रहूंगा। सो आप सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और साथ ही में बेल का आइकॉन है उस बेल के ऊपर क्लिक कीजिए, इससे क्या होगा आने वाले नोटिफिकेशन आपको मालूम हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।